मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने कहा है कि विद्यार्थियों और युवा वर्ग के सामने आज विश्व के निरंतर बदलते परिदृश्य में नई चुनौतियां हैं। ग्राम्य भारत उनकी और आशाओं भरी दृष्टि से देख रहा है। वे देश में सकारात्मक बदलाव लाने की चुनौती स्वीकार करें और इसके अनुरूप कार्य करें। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ आज इंदौर के ऐतिहासिक डेली कॉलेज के वार्षिक उत्सव समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के इस ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान के अतीत को सराहा है और साथ में अपने टून स्कूल के दिनों को भी याद किया गया। उन्होंने कहा, डेली कॉलेज से पढ़े हुए अनेक पूर्व छात्र मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि टून स्कूल ने भी देश को 3 मुख्यमंत्री दिए गए। उन्होंने इस विद्यालय के ऐतिहासिक धरोहर और गौरवशाली इतिहास को सराहा। उन्होंने कहा कि डेली कॉलेज देश का एक प्रमुख शिक्षण संस्थान है। श्री कमलनाथ ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ भाषा, धर्म और परंपराओं की विविधताएं हैं। ऐसा अनुपम और अनूठा देश विश्व में कोई दूसरा नहीं है। कार्यक्रम में इस विद्यालय के पूर्व छात्र और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, सांसद विवेक तनखा, गृह मंत्री बाला बच्चन, लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह, नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह, नर्मदा घाटी विकास मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह बघेल, उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और इंदौर के प्रबुद्ध जन उपस्थित थे।